हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए। वहीं छात्र नेता गौरव संबल प्राचार्य कक्ष की छत पर पेट्रोल से भरी बोतल लेकर चढ़ गए, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और उसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आगामी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। MBPG कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य महेश कुमार ने कुलपति की ओर से जारी किए गए पत्र की प्रति दिखाई, तब जाकर प्रदर्शनकारी छात्र शांत हुए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। को बहाल करने हेतु हम छत के ऊपर चढ़े थे और अगर आज चुनाव की डेट नहीं आती तो हम आत्मदाह करने के बाध्य होते। जब आज हमारे संघर्ष की जीत हुई है, आज चुनाव की डेट आ चुकी है तो हम सब छात्र एकता की जीत हुई है, छात्र नेताओं की जीत हुई है। धन्यवाद। नहीं जाने, ये तो शासन और प्रशासन के बीच जो भी हो रहा था कि तामा दे रहे थे, धन सिंह रावत जी ने 10 बार आश्वासन दिया, हमने 10 बार ज्ञापन दिया इनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर हम छात्रों को एक कदम उठाना ही था तो हमने कदम उठाया और आज हमारी संघर्ष की जीत हुई है, हमारी चुनाव की डेट आ गई। हम रोजी ज्ञापन दे रहे थे, ऐसे कोई मतलब कि यहाँ से कोई वो नहीं आ रहा था, हाँ आज मतलब कि आज चुनाव होंगे, कल चुनाव होंगे, अब आज आए हैं तो 24 तारीख को चुनाव होंगे करके, तो इसमें हम जोर शोर से चुनाव तो उसकी तैयारी करेंगे। ये एक छात्रों का नारा है कि छात्र वैसे तो बेचारा है, छेड़ा तो अंगारा है। संपूर्ण रूप से कई वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से सरकार छेड़ती जा रही है छात्र नेताओं को। आज जब हमारे द्वारा पहले क्रमिक अनशन था, यूनिवर्सिटी बंद कराई गई, आज जब एक छात्र वहाँ पर आत्मदाह करता है, उसके बाद सरकार द्वारा ये फैसला है, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और हम पिछले 2-3 महीनों से सरकार पर दबाव बना रहे थे कि इस वर्ष चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित कर दी जाए और आज लगातार हमारे संघर्षों की जीत हुई है और आज प्रशासन द्वारा 24 दिसंबर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है।